एबनॉर्मल। पहले की किताबें लिखती हैं कि एक एल्यूमिनियम फॉइल दिया जाता था, वो जैसे नॉर्मल में करते हैं ना वैसे ही उन्होंने अब किया है, ठक करके खोल दिया है। पहले एल्यूमिनियम मेटल फॉइल आता था, उससे नेक को आप रफ करते थे, फिर वो डिटैच हो जाता था। वो अब वो आता नहीं है, नहीं वो टियरेबल नहीं थी, वो टियरेबल नहीं। अब इसके ऊपर डॉट लगा होता है, जिसपे डॉट हो ना वो डॉक्टर समझते हैं वो आराम से टूट जाता है। लेकिन एहतियात यह है कि राजा साहब ने जरा जल्दी दिखाई है, आमतौर पे जो वैक्सीनेटर करते हैं वो इसी को इसी से पकड़ते हैं फिर रोटेट करते हैं, स्टेप बताएं फिर निकालते हैं। स्टेप बता रहा हूं मैं, वो खोला, अब ये सारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंज में सारा डाइल्यूएंट फिल करेंगे। मैं लफ्स यूज कर रहा हूँ सारा। हमारे थे डॉक्टर कमरुल, बहस ही नहीं खत्म होती थी, 5 ml करना है, 4.5, 5.2 ml भरना है। उन्होंने कहा यार इसमें 2 ml है, 10 ml है या 2000 ml है, सारा भरना है, बहस खत्म करो। तो सारा भरे रहे, जो कि कंपनी प्रोवाइडेड है, बंडल सप्लाई है, इसके साथ फिल आया है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी होती है कि आमतौर पे राजा साहब लगता सिर्फ मॉनिटरिंग भी हद तक रह गए ने, नहीं नजर का नहीं है। आहा देखिए जूली ड्रिक्सन, अब जूली ड्रिक्सन याद आएगी क्योंकि ही इज नाउ मॉनिटर, ही इज नॉट वैक्सीनेटर। चलें जी, ये है हमारी क्या नीजल वैक्सीन, नीजल वाई। अब इसे लें सर, इन्होंने सबसे पहले इसकी जो कैप है वो उतारे। इज इट ए करेक्ट प्रैक्टिस? नो, करेक्ट प्रैक्टिस ये होती है, लेट मी टेल यू, एक सेकेंड सर, करेक्ट प्रैक्टिस ये होती है कि सबसे पहले आप इसको उतार लें, उतार लिया, इसके बाद इसको यहां सस्पेंड कर दें डेट और टाइम लिख के, आप इसे फिल करें और फिर यहां से उठाएं और फिर करें, अदरवाइज आप नीडल प्रिक कर लेंगे जी। अब करें सर, डेट और टाइम लिखें। पॉइंटर नहीं है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने नहीं दिया है, अथॉरिटी तो आप आज डेट क्या है ये आ गया, आ गया पॉइंटर, आ गया जी पॉइंटर, आ गया राजू साहब पॉइंटर आ गया। ऐसी सारी चीजें कच्छे से दबा के रखे ने आसिफ शहजाद साहब ने जी। डेट और टाइम, टाइम इस वक्त हुआ 1:20। ये जो है यूज्ड है, इसमें अभी भी डाइल्यूएंट बाकी है, इसका मतलब पूरा नहीं भरा है। ये नॉर्मल गैप्स होते हैं, सिरिंज में जगह नहीं है। तो ये हमने कहां डाला, कहां डाला, कहां डाला, टॉपर जो बताने वाली बात जी। अब उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, इसमें सारा डाल दिया, डाला या डालना है, जल्दी करो सेशन मुकरण वाला है। अरे बजे भी बार लाइन लगी। चलें जी, अब आगे चलें। कंटेमिनेट तो हो गया ऑलरेडी, नहीं। अच्छा जी, ये देखें, ये एक और गलती मिस्टेक जो हमसे हुई, ये कहाँ डालनी है, म्यूनिसिपल वेस्ट डस्टबिन, ये म्यूनिसिपल वेस्ट, अरे केड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट। अच्छा जी, ये हमारे सेशंस को गंदे करते हैं, तो ये हमें कहाँ डालने, दो शापर दो, वायला आला है, खाली वायला आला, शापर भी पूरे नहीं है साढ़े को, हाँ तो डस्टबिन कहाँ है, डस्टबिन में नहीं डालना, वेस्ट बैग रखना है। डस्टबिन में डालने का प्रॉब्लम ये होता है वो रैपर थोड़ी देर में भर जाएंगे, वो उड़ रहे होंगे। बुक्स तो डस्टबिन में लिखो सर, वो वेस्ट बैग है। सिरिंज क्या क्या डालने के बाद कैसे नीडल डालते हैं, यूज सिरिंज डालें, सेफ्टी गोली मारो अंदर डालो। अच्छा जी, आपने जो ही इसमें डाइल्यूएंट डालना है सिर्फ 1, 2, 3 नो जेंटल मिक्स, ये जो टेक्निक है ना इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट रिकमेंडेड। क्यों, कोई बता सकता है टेक्निकल रीजन? ओके ओके, टेम्परेचर भी मिस, टेक्निकल रीजन पूछ रहा है, बॉन्ड टूट सकते हैं इसके, यस यस, मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड्स गेट ब्रेक, लाइफ लाइन चाहिए। ओके मूव प्रोसीड, गो फॉर इंजेक्शन, टाइम इज लेस। अब यहाँ पे एक चीज की और एहतियात, जो अभी आप एप्पल की सिरिंज की बात कर रहे हैं, उसने लिखा, उसने वीडियो देखिएगा, वो कहता है इसका जो प्लंजर एंड है
आपने वहां से इसको इस तरह खोलना है जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में खोलते हैं. टियर लिप्स, इट्स अ टियर, जस्ट लाइक ऑपरेशन थिएटर. और ये फिर से रैपर है, डस्टबिन बैग. जी सर, अगेन कैप उधर गई. ये आया आपका वैक्सीन. अब राजा साहब जो है वो फिल कर रहे हैं एडी सिरिंज में और 0.5 ml ये फिल करेंगे. 0.5 ml फिल हो गया और बचा आ गया. बचा तशरीफ ले आया. बच्चे की बाह है. आप तैयार है? ये का एक मुश्किल सवाल भी पूछना है हमें आपसे. लगाएं. अब ये 45 के एंगल पे जो बेवल पार्ट है, स्लॉक है जो नीडल का, वो अपसाइड है और 45 पे गए हैं. जनरली छोटा बच्चा है तो पिंच कर लें उसका स्किन का. नहीं है छोटा, बड़ा है. इतना एक्सपीरियंस होते हैं इंजेक्टर्स. दे गो बाय 45, दे गो सबक्यूटेनियस एंड दे इंजेक्ट एंड देन इंजेक्ट करें तो बाद वो कह रहे हैं रुई का है. अच्छा जी, फौरन फौरन हीलिंग ना हो, फौरन रखें. अब आते हैं जी ओरल पोलियो वैक्सीन. ये है BOPV डॉक्टर माइला. हमारी वैक्सीन ये यूज होगी कैंपेन में 0 to 5 years. अब हम बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे. आ जाए जी. नहीं सर, बच्चा होर भी तो है. बच्चे की कड़ी कमी है साढ़े मुल्क जी. याद रखिएगा एक प्रैक्टिस इसमें भी हम गलत कर रहे हैं. स्टिल दिस इज माय फर्स्ट लव बिकॉज मैंने अपना कैरियर पोलियो एडुकेशन से शुरू किया था. सो स्टिल दिस इज माय फर्स्ट लव. एक गलती हम ये कह रहे हैं कि जब हम ये वाइल खोलते हैं, इस पे ड्रॉपर लगाते हैं तो इस पे हम डेट नहीं लिखते. यू नो डेट इज इम्पोर्टेंट. हमें बताएंगे क्यों? 28 days. नो क्योंकि आपने इसे 28 डेज तक यूज करना है. अगर डेट ही नहीं लिखी तो 28 डेज कैसे डिटरमिन होगी? सो दिस इज कॉमन मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग इन द फील्ड. प्रोवाइडेड इसकी कोल्ड चेन मेंटेन हो, इसकी कोई कंटेमिनेशन ना हुई हो, वीवीएम ठीक हो. मैंने देखा है वीवीएम ठीक है, एक्सपायरी ठीक है, कोई टर्बिडिटी नहीं है, कैप लगी हुई है, कैप उतार ली. कैप अगर नहीं है तो फिर आप इसे वेस्ट करेंगे. अब क्या करना है? आजकल कोविड में वो मैं कोविड से पहले ड्रॉप्स पिलाता था, अब कोविड में मुझे नहीं पता कैसे करते हैं. थोड़ा और आप खोलें माउथ और 45 का एंगल है वो जो पेन वाला होता है. आपने 45 के एंगल से वन ड्रॉप पोलियो सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया. टू ड्रॉप्स हो गए. अब इसको मैंने वापस ये लगाया. अब आएगा ये मार्कर.